दोस्तों आप लोग हमेशा कमेंट करते हो कि सर यूनिक चीज बताइए जो यूट्यूब पे है ही नहीं, इसके बारे में आप नॉलेज दीजिए। तो देखिए ये वीडियो जो है काफी डिटेल्स में हमने बताया है, तो ये नॉलेज का वीडियो नहीं है। जैसे कि टेकिंग जो है कितना देना चाहिए बैक पॉकेट में, आधा इंच, एक इंच, डेढ़ इंच, सवा इंच, और लूज में कितना देना चाहिए, फिटिंग में कितना देना चाहिए, बच्चे में कितना देना चाहिए, ए टू जेड 100% बताएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। तो ये देखिए यहाँ से करेंगे क्या, ये जो मेरा हिप का जो मार्का है दोस्त, यहाँ से, तो यहाँ से 3.5 इंची जो है इस तरीके से माप लेना है, 3.5 हो गया। और यहाँ से इसको इस तरीके से ये देखिए या इस किनारी पीस से लेके, चाहे ये जो मार्का है यहाँ से आप 2 सूत चाहें तो छोड़ भी सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से लास्ट किनारी जितना होगा उसको आधा करके इस तरीके से मार्का लगा लेना है। ये देखिए इस तरीके से आधा करके मार्का लगा लेना है। इसके बाद ये देखिए बता देगा कि इधर से कम 2 इंची खाली रहना चाहिए, 2 से सवा 2 इंच खाली रहना चाहिए। इसके बाद बता देगा कितना पॉकेट चाहिए। देखिए 2.25 है तो यानी कि 4.5 पॉकेट इसमें लग जाएगा। तो 2.25 उधर को और 2.25 इधर को, ये पॉकेट लगाने का आपको मार्का लग गया। आप टेक इन बताएंगे, ठीक है। अब 3.5 को इधर से मार्का लगा लेते हैं और ये 3.5 का मार्का इधर से लगा लेते हैं। ये आपका बीच का सेंटर हो गया, ठीक है। ये देखिए बीच का सेंटर हो गया, यानी कि अब इसको इस तरीके से आप बीच का एक निशान चाहे तो इस तरीके से लगा सकते हो और इसको इस तरीके से लगा सकते हो। तो ये जो है इसी में छोड़ दिया जाता है। तो इसका जो कमर है दोस्त वो 29.5 है, कितना 29.5 है। तो ये देखिए इसमें हम छोड़ दिए हैं, तो ये 7.5 मार्का लगाएंगे, 7.5 से 1 सूत कम करेंगे तो ये मेरा परफेक्ट आ जाएगा 29.5। और इसमें 1/2 इंची का हम ऐड किए हैं कपड़ा, 1/2 इंची इसमें रखे हैं, इधर से सिलाई होता है, ये जो पीस सिलाई होता है उसके लिए। इसके बाद इसमें हम लूजिंग दिए हैं टेकिन के लिए 1 इंच, तो यहाँ 1 इंच ही हम छोड़ेंगे। तो क्या करेंगे कि ये देखिए बीच 2 इंच पर रखे, 1/2 इंच इधर को मार्का लगा दिए, 1/2 इंच इधर को मार्का लगा दिए, ओके। और इसको क्या करना है, इसको इस तरीके से, इस तरीके से मार्का लगा लेना है और इसको कुटका कर लेना है। कुटका करने के बाद हम आप सभी को बता रहे हैं करना क्या है। ये देखिए अब इसको इसी तरीके से इधर को एक मार्का लगा लेना है, ताकि इसके नीचे कितने आदमी देखते हैं कि ये जो मार्का लगाए हैं और गांठ जो है यहाँ तक देते हैं और पॉकेट बनाने के बाद भी ये यहाँ तक सिलाई दिखाई देती है, तो वो बेकार है, वैसा काम ना करें, फिनिशिंग काम करें। इसके ऊपर ही आप टेकिन ख़त्म कर ले। और बता दें कि ये देखिए ये जो 1 इंच जो आप देते हो ये परफेक्ट है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हर पैंट में ये दे सकते हो, इतना कोई दिक्कत नहीं है। बट आप नियम के अनुसार देना चाहते हो तो मैं बता दूं कि जिसका हिप ज़्यादा होता है ना, जिसका हिप ज़्यादा है या कमर कम है, यानी कि जिसका हिप फेंका हुआ है कमर कम है, उस स्थिति में 1.5 इंच का ही टेकिंग दिलाता है, 1/2 इंच का, 1.5 इंच का टेकिंग दिलाता है। वैसा पैंट बहुत कम को मिलने देखने को मिलता है, जैसे कि लेडीज़ को पैंट सीना पड़ गया, तो लेडीज़ पैंट में क्या करोगे, 1.5 इंच के यहाँ पर टेकिंग देना, काफ़ी बेस्ट बैठेगा, ठीक है। अच्छा जिसका लेडीज़ के जैसा हिप है उस पॉइंट में आप यहाँ पे 1/2 इंच का, 1.5 इंच का यहाँ पे देना। और जिसका फिक्स, ये जो है किस लिए दिया जाता है 1.5 इंची 1 इंची, जिसका हिप फिक्स रखना है, इसमें लूजिंग नहीं रखना है। तो ऐसा तो लेडीज ही पसंद करती है, या जिसका स्ट्रेचुअल होता है कपड़ा लमरने वाला, उस चीज़ में दिया जाता है। ऐसे आप हर पैंट में 1 इंच दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये नॉलेज जो है आप सब, ये भी नॉलेज आप सभी को अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से मिल गया होगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नॉलेज आप सभी को कैसा रहा, और पहले से जानते थे वो भी कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है जो यूट्यूब पे है ही नहीं उसके बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप शॉर्ट के बारे में, पैंट के बारे में, सूट के बारे में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाहेंगे कि यूनिक यूनिक चीज़ हम बनाएं, आप पूछोगे तभी बना पाएंगे। तो आप लोग कमेंट करो कि ये यूट्यूब पे ये चीज़ का जानकारी नहीं है, इस पर आप कोशिश कीजिए बनाने के लिए, तो मैं वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग हमेशा हैप्पी रहा करें, खुश रहा करें।